गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंफोसिस का कल Q1 रिजल्ट अनाउंस होने के बाद स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आया है, तो आज हम देखेंगे कि रिजल्ट्स में क्या डिक्लेयर किया गया है और 5paisa की तरफ से टेक्निकल व्यू, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। इन्फोसिस स्टॉक कल 2.07% ऊपर चला गया और क्लोज हुआ एट 1576.90 पर। कंपनी ने जून क्वार्टर एंडेड के लिए नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया एट 5195 करोड़, यानी सिक्वेंशियली 2.3% की ग्रोथ देखने मिली है। फुल ईयर एबिट मार्जिन गाइडेंस रिटेन किया गया 22-24% के बीच। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रुपी टर्म्स में 6% से ऊपर रहा। ईयर ओवर ईयर बेसिस पर ग्रोथ डॉलर रेवेन्यू में 21.2% था और कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू 16.9% पर था। डिजिटल बिजनेस टॉप लाइन पर बना रहा और काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, जहां 9.7% की बढ़त देखने मिली है, लेकिन कोर बिजनेस 0.7% नीचे रहा। ऑपरेटिंग लेवल पर एबिट 2.5% से इंक्रीज हुआ क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस पर और मार्जिन डिक्लाइन हुआ 80 basis points टू 23.7%। कंपनी ने 2 क्लाइंट्स ऐड किए $100 million प्लस कैटेगरी में, 12 क्लाइंट्स $10 million प्लस बैंड में और 26 क्लाइंट्स $1 million प्लस कैटेगरी में, जहां टोटल एक्टिव क्लाइंट्स लिस्ट अब 1659 पर पहुंच गई है। कंपनी ने अपना एम्प्लॉई स्ट्रेंथ जो है वो जून 2021 में 2.67 लाख तक बढ़ा दिया। तो चलिए देखते हैं टेक्निकल व्यू इस स्टॉक को लेकर। इन्फोसिस का जो ट्रेंड है वो बुलिश में दिख रहा है, जहां सपोर्ट 1530 पर प्लेस्ड है, फॉलोड बाय 1450 और रेजिस्टेंस 1650 पर है। अगर क्लोजिंग बेसिस पर 5595 लेवल के ऊपर बंद होता है तो बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे 5paisa चैनल को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।